गाइस, वेलकम टू डॉक्टर्स डिलेमा। सो आज का मेरा जो वीडियो है इज अ टॉक ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो मैंने भी बहुत स्टडी किया है इसके ऊपर। मुझे भी पहले पता नहीं था एग्जैक्टली क्या है, बहुत कंफ्यूजन्स थे, बट बहुत स्टडी किया है मैंने और आपके लिए वीडियो बनाई हूँ। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़, मुझे लास्ट वीडियो में एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि आप या तो हिंदी बोलिए या तो इंग्लिश बोलिए। आई रिस्पेक्ट योर कमेंट, बट एक्चुअली ऐसा है कि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बना रही हूँ, मुझे जो आता है मैं वैसे बोलती हूँ, तो कभी हिंदी यूज़ होता है, कभी इंग्लिश यूज़ हो रहा है, इसलिए सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी में बनाऊँ ताकि सब समझ पाए, बट अगर बीच में कोई इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ हो रही है तो रियली सॉरी फॉर दैट, सॉरी माफ़ कर दीजिए मुझे। और सो एक और व्यूअर ने कमेंट किया था कि अल्ट्रोज के बारे में रिव्यू बताने के लिए, तो श्योरली मैं अपने भाई जी से बनवाऊंगी क्योंकि मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है उस चीज़ों के बारे में, तो वो ज़रूर बनाएंगे उस चीज़ का वीडियो एंड हम अपलोड करेंगे। सो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके पॉलिसी जो 2020 अभी जो रिसेंटली लागू हुआ है वो एग्जैक्टली पहले हमारा 1968 में एक एजुकेशन पॉलिसी आया था पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसमें सारा जो भी कस्टम क्रीड कास्ट वगैरह सब एक होना चाहिए ऐसा था। फिर 1982 या 86 में वापस से अपडेट हुआ और उसका फर्दर अपडेट 1992 में हुआ था। अभी ये जो 2020 में जो बना है एजुकेशन पॉलिसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वो सबसे बड़ा कमिटी के थ्रू बना हुआ है। सो हर एक ग्राम पंचायत छोटी छोटी जगह से एक करके ये रूल को अमेंड किया गया है। सो इतना सुपर प्लान किया है गवर्नमेंट ने, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया, बट कोरोना के वजह से शायद थोड़ा डिले हो, मे बी 2021 मे बी 2022 तक हो सकता है। सो पहले कैसा था कि हमारा 10+2 होता था और अब जो है दैट इज 5+3+3+4, ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। मतलब ये बेचारी बोर हो रही है, इसको बगल में बिठा के इसको भी समझाते हैं। सो पहले जो था वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता था और अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, बट पहले 12 इयर्स था, अभी 15 इयर्स है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ग्रेजुएशन तक हम गवर्नमेंट के अंडर ही रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि जो 10+2 था दैट वो जो था हमारा 6 इयर्स से स्टार्ट होता था और अब जो है 53, ये जो प्लान है 5+3+3+4 का, वो 3 इयर्स से स्टार्ट हो रहा है। तो अच्छा खासा प्लान जो है पहले से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए हमारा ये भी 12th स्टैंडर्ड तक ही रहेगा। तो ये कैसा प्लान है जो है प्लस 5 इयर्स जो होते हैं, जो 5 इयर्स होते हैं फर्स्ट, वो फाउंडेशन कोर्स होते हैं। फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट फ्रॉम नर्सरी, जूनियर, सीनियर एंड देन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड। ये 5 साल बच्चों को सिर्फ प्ले ग्रुप जैसा है, तो स्टार्ट होगा प्ले ग्रुप से। पहले बच्चे कैसे रोते थे स्कूल जाने के नाम से, डरते थे, तो अब क्या होगा कि बच्चों को लगेगा मुझे तो खेलने ही जाना है, तो उन लोग रिलैक्स रहेंगे। और अभी के प्रेशर में कैसा होता है कि घर पे कोई नहीं रहता, फैमिली मेंबर्स कोई नहीं रहते, न्यूक्लियर फैमिली में लोग प्रेफर करते रहना, बच्चे लोग ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते अपने पेरेंट्स के साथ। तो ऐसे में अगर उन लोग एक्टिविटीज को ज्वाइन करेंगे, प्ले ग्रुप ज्वाइन करेंगे, तो उनको बड़ा मजा आएगा, लोगों से फ्रेंडशिप्स होगी, लोग का बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी। मजा तो ठीक है, पर पहले कैसा होता था, 3 साल होते थे प्ले ग्रुप के, तो बच्चे 3 और 3 साल के बाद उनको एग्जाम्स होते थे, तो उनको वो बचपन में मतलब एग्जाम्स का प्रेशर तो ठीक है एक, पर उनको आदत हो जाती थी एग्जाम्स वगैरह की। अभी 5 साल आप प्ले ग्रुप को डिनोट कर रहे हो तो उस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों पे, ऐसा कुछ? तो ये तो चीज 3 साल पे भी आती होगी ना कि 3 साल बच्चों ने टाइम पास किया तो भी अचानक से फर्स्ट ईयर में फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमको एग्जाम देने पड़ रहे हैं, बट वैसा नहीं है ना, आपको स्लोली स्लोली जा रहा है। तो फर्स्ट ईयर में प्ले ग्रुप का फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज्यादा ही एक्टिविटीज होगी, सेकेंड में थोड़ा बड़ा होगा, ऐसे शायद कुछ अच्छे प्लान ही किए रहेंगे वो लोगों ने, स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट होगा, स्टेप बाय स्टेप ग्रेडिंग होंगी। तो सेकेंड ईयर तक लेकिन सिर्फ एग्जाम्स नहीं होंगे, लेकिन लोगों को सिखाया जाएगा, बच्चों को सिखाया जाएगा बहुत कुछ चीजें। तो ओवरऑल अच्छी चीज है, लोग एटलीस्ट एक्लिमेटाइज होंगे उस कंडीशन से कि ये स्कूल है मेरा, मुझे यहाँ पे आना है और मुझे आगे के 10-12 साल यहीं पे बिताने हैं, तो एटलीस्ट फ्रेंडली नेचर हो जाएगा उनका। सेकेंड फेज जो है दैट इज 3 इयर्स, नेक्स्ट 3 इयर्स, तो वो उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम थर्ड ईयर, थर्ड स्टैंडर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड।
तो थर्ड स्टैंडर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड इसमें जो है हमारा मेन एग्जाम्स वगैरह जो है इसमें स्टार्ट होंगे, थोड़े से वर्क वर्कअप वगैरह जो है वो ये फेज में चालू होंगे। सबसे बेस्ट पार्ट है ये रीजनल लैंग्वेज में होगा, तो हम अगर बच्चा जो है स्टूडेंट है, सॉरी मैं बार बार पेशेंट बोल रही बिकॉज आदत हो गई पेशेंट बोलने की, जो स्टूडेंट्स है वो थ्री इयर्स डॉक्टर है ना, सो जो स्टूडेंट्स है ना वो उनको पता है कि हमारे ये इंग्लिश डिफिकल्ट लग सकती है, या कोई महाराष्ट्र है उसको चाहिए कि मैं मराठी में सीखूं तो मराठी में सीख सकते हैं, जो बंगाली वो बंगाली में सीख सकते हैं, गुजराती गुजराती में सीख सकते हैं, तो तमिल तमिल लैंग्वेज में सीख, तो रीजनल लैंग्वेज में फाइव इयर्स तक आप फिफ्थ स्टैंडर्ड तक आप पढ़ सकते हैं। कोई रीजनल लैंग्वेज में क्यों सीखेगा, इंग्लिश ही तो प्रिफर करते हैं कोई भी जॉब आगे जाके इंग्लिश इंग्लिश। ट्रू ट्रू, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया है कि आपको करना ही है, आपको पढ़ना ही है रीजनल लैंग्वेज में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल से पढ़ रहे हो तो आपको हो सकता है कि वहां पे प्रेशर फोर्स रहे कि हाँ आपको यही वर्नाक्युलर लैंग्वेज में सीखना पढ़ना है, बट ऐसा हम हमारे कम्फर्ट जोन में हमको ऐसा लग रहा है नहीं हमें इंग्लिश में ही सीखना है बिकॉज हमारे पास पैसे होते हैं या जो भी है फाइनेंशियली वी आर स्ट्रांग। बट बहुत ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली वीक है बट पढ़ना चाहते हैं और उनको वर्नाक्युलर लैंग्वेज में पढ़ने मिलेगा, तो उनके लिए ये अच्छी चीजें हैं। प्लस सेकंड बेनिफिट में सीख सकते हैं, बट इंग्लिश में सीख सकते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा नहीं इम्पोज किया कि आपको इंग्लिश, वो अपना इंग्लिश में सिखा सकते हैं, इट्स अप टू अस कि हमें क्या चूज करना है। और सेकंड बेनिफिट सबसे अच्छा ये है कि आपको जो अभी जो 42 ईयर्स की कोई फीमेल है और उसको कुछ मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में कि थर्ड जो फेज है उसमें हम क्या सीखते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट होता है और वो अगर उनको कुछ सीखना है, अब वो उस लेवल पे जाके इंग्लिश नहीं सीख सकते, तो अगर वो अपने वर्नाक्युलर लैंग्वेज में मीडियम में जो अगर वो पढ़ेंगे पढ़ना चाहेंगे अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहेंगे तो वो इजीली पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और अब वो समझ के क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सो हमारा जो थर्ड फेज है वो है हमारा मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में जो है हमारा आता है 6th standard, 7th standard and 8th standard, ये जो प्लस 3 years है ये दीज आर द थिंग्स। तो इसमें जो है हमारा एक्चुअल इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारा इंडियन लैंग्वेज मतलब उधर से स्टार्ट होता है, तो हम लोग मतलब वो सिखाएंगे हमको, हाँ वो हमें सिखाएंगे, प्लस हमें कोडिंग डिकोडिंग कंप्यूटर का जो भी चीजें हैं नॉलेज वो इसमें आएगा। बताओ हमको 1000 रुपए लेते थे कभी भी कंप्यूटर यूज करने नहीं दिया। तो और भी एक चीज है कि कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे होती है, किसी को कोई फिशिंग में इंटरेस्टेड है, किसी को मैकेनिकल चीजों में इंटरेस्ट है, किसी को प्लम्बिंग में इंटरेस्ट है, कुछ भी, किसी को टेलरिंग स्टिचेस वगैरह सीखने हैं, खेती बाड़ी फार्मिंग इवन फार्मिंग भी, मेरा सपना था खेती बाड़ी करने का, तो मुझे करने नहीं मिला। यू नेम, आप बस नाम लीजिए, आप यू नेम द थिंग एंड आप वो चीज सीख सकते हैं, तो वो आपको उस फेज में प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा एज ए इंटर्नशिप, मतलब प्रॉपर इंटर्नशिप। तो जो मैंने आपको पहले बोला था जो अगर मिडिल एज जो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं जिन्होंने नहीं पढ़ाई किया है बिकॉज कोई बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उन लोग पढ़ सकते हैं और उन लोग उसके बाद आके इस 5th, 6th, 7th में आके आपको इंटर्नशिप करने मिलेगा प्रॉपरली, और आप वो इंटर्नशिप सीख कर आप एज आपको अच्छा सर्टिफिकेट मिलेगा और आप वो अप्लाई कर सकते हो। तो आप आई अग्री कि अगर किसी को टेलरिंग सीखना है तो वो सिर्फ जाके टेलरिंग सीख सकता है कोई भी कोर्स ज्वाइन करके, लेकिन आपको कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, लाइफ के बारे में आपको इंटरेक्शन आने चाहिए, लोगों से आप कैसे इंटरेक्ट करोगे, तो आपको ये सब अगर चीजें अगर आती रहेगी, आपने आपका बेस स्ट्रांग है आपके वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, तो आप इजिली अपना बिजनेस भी सक्सेसफुल कर सकते हो, बेसिकली आपके बिजनेस को वो एक सोर्स देगा। सो ये सबसे अच्छी चीज है इसके अंदर। फिर आता है फोर्थ फेज जो है, दैट इज हमारा जो सेकेंडरी स्टेज है, उसमें हमारा जो है दैट इज 9th standard, 10th standard, 11th standard and 12th standard। तो पहले कैसे होता था, 10th में एग्जाम दे दिया हमने, बस सब लोग 10th का बोर्ड का रिजल्ट का वेट करते थे, फिर हम स्ट्रीम चूज करते थे, कोई बोलता था साइंस लो, कोई बोलता था आर्ट्स लो, कोई कॉमर्स लेता था। बट अब क्या होता है, जैसे मैं खुद का एग्जाम्पल ले लो आप, कि मुझे डॉक्टर बनना था बट मुझे फिजिक्स बिल्कुल नहीं पसंद था, और मुझे बहुत बहुत मन था कि मैं इकोनॉमिक्स सीखूं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है एग्जैक्टली, बट नहीं सीख सकते। मेरा भी एग्जांपल ले लो, मुझे कॉमर्स करना था तो मुझे कॉमर्स में कोई सब्जेक्ट्स पसंद नहीं थे सिवाय अकाउंट्स के, फिर भी मुझे बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े थे। तो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा आइडिया है
तो हाँ, हमारा आइडिया बताया ही नहीं अभी तक. तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स मतलब आप इसमें ले सकते हो. अभी जैसे कि ये जो है एग्जाम पैटर्न 1 ईयर नहीं होगा, सेमेस्टर वाइज होगा. जैसे अभी इंजीनियरिंग में कैसा होता है, सेमेस्टर 6 ईयर, 6 6 मंथ्स का सेमेस्टर एग्जाम होता है. आपको 6 6 मंथ्स जो है आपको एग्जाम्स देने हैं, और 6 मंथ्स का हर आपका एग्जाम्स का रिजल्ट आएंगे और आप पास आउट, पर सेमेस्टर पास आउट होगे. और फिर जाकर आपको कोई स्ट्रीम नहीं चूज करनी, आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो. तो अगर मुझे फिजिक्स लेना है तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री लूंगी, मुझे बायो नहीं पसंद है तो मैं बायो स्किप करके, मुझे ज्योग्राफी पसंद है तो मैं ज्योग्राफी ले लूंगी, मुझे अकाउंट्स पसंद है तो मैं अकाउंट्स ले लूंगी. तो मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं और सब चीजों की नॉलेज हम ले सकते हैं. किसी को ड्रॉइंग पसंद है वो ड्रॉइंग कर सकता है, कुछ भी आप कर मतलब सकते हैं. साइंस कॉमर्स मतलब खिचड़ी बनाना है खत्म हो जाएगा. हाँ, साइंस 2 में कॉमर्स वो खत्म हो जाएगा. बेसिकली खिचड़ी बना देंगे हम, और हम जो एज अ होल प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे हम. जो हमें चूज करना है वो चूज कर सकते हैं. अगर मतलब अगर बहुत लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत डिफिकल्ट होता है एग्जाम देना, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी दे सकते हो. जो भी फाइनल ईयर का एग्जाम होता है वो आप जो लैंग्वेज में आपको जो आपका वर्नैक्युलर लैंग्वेज आप उसमें दे सकते हैं. मतलब अगर हमने इंग्लिश में पढ़ाई की तो हमें अगर मराठी में एग्जाम देना तो मराठी में एग्जाम दे सकते हैं. अगर हम कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज से तो हम उस लैंग्वेज में दे सकते हैं. कुछ लैंग्वेज बॉन्ड नहीं है कि ऐसा ही करना है, तो जो लैंग्वेज देना है उस लैंग्वेज में हम एग्जाम दे सकते हैं. फिर आता है हमारा, अगर ये खत्म हो गया तो हम ग्रेजुएशन की तरफ जाएंगे, तो हमारा यूनिवर्सिटी चेंज होता है. क्योंकि ग्रेजुएशन में पहले कैसा होता था कि आपको 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन होता था, वही BCom, BSc, BA. बट अब ऐसा कुछ नहीं है. आपको इन जनरल जो भी, क्योंकि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स लेकर आ रहे हो और आप जिस चीज़ से ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको वो उसको कि ग्रेजुएट ही से बोला जाएगा कि ग्रेजुएटेड है. तो पहले 3 ईयर्स का था, अभी 4 ईयर्स का है. 4 ईयर्स में जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर. फोर्थ ईयर में है रिसर्च. फर्स्ट ईयर अगर किसी ने कोई रीजन की वजह से फर्स्ट ईयर कर पाया है तो फर्स्ट ईयर जो है उसको करके छोड़ेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा. पहले कुछ नहीं होता था, अभी सर्टिफिकेट मिल जाएगा. किसी ने सेकेंड ईयर सिर्फ किया, अगर सिर्फ सेकेंड ईयर कर रहे हैं तो उनको डिप्लोमा मिल जाएगा. थर्ड ईयर तक कम्प्लीट किया तो वो ग्रेजुएट बोलेंगे उसको, और अगर फोर्थ ईयर तक किया तो उनको ग्रेजुएट इन रिसर्च करके बोला जाएगा. तो अगर आपको सिर्फ थर्ड ईयर का करना है तो आप करके छोड़ सकते हैं, और आप कहीं जॉब करना है तो जॉब. और किसी ने पहले साल में छोड़ दिया और थोड़े इयर्स बाद में उसने वापस ज्वाइन करना चाहा तो उसको फर्स्ट ईयर से वापस से ज्वाइन करना पड़ेगा. ऐसा नहीं, तभी ये री एंट्री है इसके अंदर. तो आपको जहाँ पे आपने छोड़ा, अगर आपने सेकेंड ईयर करके छोड़ दिया कोई रीजन की वजह से, तो आपको सब वापस आप ज्वाइन कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको वापस से फर्स्ट ईयर से पढ़ना है, आपको पूरा आप वही थर्ड ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना ज्वाइन. तो कोई लोग थर्ड ईयर के बाद अगर छोड़ देंगे और उन्होंने फोर्थ ईयर नहीं किया और उनको PhD करना है, तो PhD तब आपको 2 साल का रहेगा. और अगर आपने फोर्थ ईयर कंप्लीट कर दिया और अब आपको PhD करना है तो अब तक PhD सिर्फ 1 ईयर का रहेगा. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 2 महीने पढ़ाई करो और आपको लाइक और आपने छोड़ दिया तो आप एक्सपेक्ट करो कि गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट देगी. इतनी दयावान नहीं है गवर्नमेंट. आपको पूरा 1 साल कंप्लीट करना है उस चीज़ के लिए. तो 1 साल आप कंप्लीट करेंगे तो आपको फिर ये मिल जाएगा सर्टिफिकेट. सेकेंड ईयर कंप्लीट किया तो डिप्लोमा मिल जाएगा. थर्ड ईयर कंप्लीट किया तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा. और अगर आपने फोर्थ ईयर कंप्लीट किया तो रिसर्च ग्रेजुएशन इन रिसर्च मिल जाएगा. सो ये बेनिफिट है. अभी हमारा रिजल्ट जो रिजल्ट हैं वो भी 360 डिग्री वे में लिया गया है. तो पहले सिर्फ मार्क्स के ऊपर रिजल्ट होता था, मैथ्स टू मैथ्स इंटरनल मिलते थे टीचर्स के सामने आप कैसे हो उसके ऊपर में मार्क्स मिलता था. बट अभी जो है इसके लिए अच्छा रहना पड़ता था टीचर्स इंटरनल्स मिलने के लिए. अब जो है इट्स लाइक आपको फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा रहना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है हमारे मार्क्स देंगे, हमें मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे. हमारा फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशन, हमारे फ्रेंड्स भी हमें मार्क्स देंगे, टीचर्स हमें हमारे पर्सनल जो रिलेशन के थ्रू मार्क्स देंगे. और जो फोर्थ है दैट इज जो हमारा सेल्फ असेसमेंट है उसके, तो मतलब हमें फ्रेंड्स मार्क्स देंगे हमारे बिहेवियर पे हमारे. हाँ, तो बेसिकली ना हमारे फ्रेंड्स से भी मार्क्स पूछा, मार्क्स उनसे भी पर्सनल मार्क्स दिया जाएगा. इसका मेन फंडा है कि हम शुरुआत से हमारे फ्रेंड्स लोग साथ अच्छे रहेंगे. और जो इंसान इंट्रोवर्ट है वो कैसे मार्क्स तो देगा? वही तो अच्छी बात है ना, वो इंट्रोवर्ट नहीं रहेगा, उसे तो वही तो है बॉन्डिंग क्रिएट करना. हाँ, लोग एक दूसरे से बात करेंगे, झगड़े कम करेंगे, लोगों में फ्रेंडशिप बॉन्डिंग ज्यादा होगी, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल होगा. पर ऐसे बच्चे भी होंगे ना जो बोलेंगे, कंपटीशन करेंगे, मैं तुझे ज्यादा मार्क्स दूँ, तुझे ज्यादा मार्क्स आएगा, तो शेयरिंग करेंगे, तू मुझे मार्क्स दे तो मैं तुझे मार्क्स दूंगा. तो ऐसा होगा. बट तो वही एक तरह का फ्रेंडशिप ही हुआ ना. और सेल्फ असेसमेंट जो है हमें आफ्टर द कोर्स हमें खुद को ही
असेस करना है हर चीजों में, हमें ही हमें मार्क्स लेना है, हम लोग ही इम्प्रूव करना है, हमें खुद को अपने आप को जज करना है, तो ये सेल्फ असेसमेंट वाला पार्ट तो बेस्ट है। हम खुद को मार्क्स देंगे जैसे हमारे जैसे बच्चे तो फिर आउट ऑफ देंगे खुद को देंगे ही कौन अपने आप को जीरो देगा, बट खुद को तो पता है। ये सब चीजों पर क्लैरिटी आई नहीं है, क्लैरिटी आएगी सिलेबस डिसाइड होगा उसके बाद पता चलेगा, बट ऐसे प्लान्स चल रहे कि ऐसे ऐसे चीजें करने वाले। पेरेंट्स को भी समझना है कि कितना इम्पोर्टेंट है आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, वो सब चीजों को एक्सप्रेस कर रहा है, हमारा हर एक पार्ट जो हमें जो पसंद है, हमारा हमें म्यूजिक पसंद है उसको एनहांस कर रहा है, हर एक छोटी छोटी चीजों को एनहांस कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को सिर्फ फोर्स करिए कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ऐसा नहीं है। आप बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी करिए ताकि उसका जो खुद का सब कुछ सबको ही पढ़ ही नहीं लेता, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। बेसिक नॉलेज होना, बेसिक एजुकेशन होना इज इम्पॉर्टेंट, बट अगर आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है आप उस चीज़ में जाएंगे तो आप इन्जॉय करेंगे उसको। आपको तब अपने बच्चों को प्लीज फोर्स मत कीजिए, जो लेना है वो लेने दीजिए, इन्जॉय करने दीजिए। मतलब इंडिया अभी चाइना के एजुकेशन को टक्कर दे रहा है। एक और पॉइंट मैं मिस कर दी थी कि जब हम लोग 9th से 12th पढ़ते हैं वो फेज में हमें फॉरेन लैंग्वेज भी सीखने को मिलता है, और वो फॉरेन लैंग्वेजेस में हमें जो भी हमें पसंद है हम वो लैंग्वेज सीख सकते हैं। बट सिर्फ अभी बिकॉज ये जो चाइना के साथ जो वॉर वगैरह जो चल रहा है उसमें उसकी वजह से चाइना को बॉयकॉट कर दिया गया है, चाइना के लैंग्वेजेस हम नहीं सीख सकते हैं। तो ये जो चीज़ है वो मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मुझे कि हम नहीं ऐसा करना चाहिए था। हमें शायद हमें अगर हम सीखते चाइना के ऊपर का जो लैंग्वेज है अगर हम उसे सीख पाते तो हम लोग उनको अच्छा कम्पीट कर पाते, उनकी स्ट्रैटेजी समझ पाते, उन लोग क्या सोचते हैं, उन लोग का क्या दिमाग में चलता है, ये सब चीज़ें हम इजीली समझ पाते और हम इम्प्रूव कर पाते अपने आप को, वो कैसे सोचते हैं, उनकी कुछ अच्छी चीज़ें अपना कर। तो लैंग्वेजेस सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉयकॉट ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ सोच के ही बोला होगा, बट मुझे बस ऐसा फील हुआ कि शायद हमें चाइना का लैंग्वेज भी सीखने मिलना चाहिए था। सो एनीवेज मेरा आज का हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, और मुझसे कुछ भी अगर मिस्टेक भी लगी ऊपर नीचे तो रियली सॉरी, मैंने भी पढ़ाई किया है बहुत ज़्यादा उसके ऊपर, अंदर मैंने डिस्कशन किया है इसके ऊपर। सो अगर आपको कहीं भी कुछ मिस्टेक्स लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या गड़बड़। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।